हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दिव्या भोजपुरी एंड हिंदी ब्लॉग्स में। तो आप देख रहे हैं मेरे मेहंदी का ब्लॉग, और ये मेहंदी देखिए पापा मम्मी और पापा के फ्रेंड हैं साथ में, और यहाँ आपको मैं दिखाई दूंगी। अभी देखिए मेरी हालत कैसी हो गई रो रो के। अब तो लड़कियाँ बहुत इंजॉय करती है अपनी मेहंदी में, पता नहीं मैं ऐसे क्यों थी। और देखिए मेरी दोनों दादी लोग जो अब इस दुनिया में नहीं रही हैं, इधर आपको देखने को मिलेगा। बाकी सभी लोग जो संगीत में आए हैं, मेहंदी का ब्लॉग बहुत छोटा है, ज़्यादातर संगीत का ही है इसमें, क्योंकि उस समय मेहंदी उस तरह नहीं मनाते थे जैसे आजकल पूरा स्टेज वगैरह लगा के मनाते हैं। तो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। और देखिए संगीत और मेहंदी में जो जो लोग शामिल होते, मेरी बहनों की फ्रेंड, मेरी फ्रेंड और हमारे सारे रिलेटिव, मतलब लड़कियाँ तो इतनी। देखिए भैया, भैया ने मेरी शादी में बहुत काम किया। अकेले हैं भैया तो उन्हें बहुत काम करना पड़ता है, सबके शादी में बहुत काम करना पड़ता है, और इतना मेहनत भी कर रहे थे वे, और उसके साथ थोड़ा ये दोनों भाभी हैं हमारी, और यहाँ पे मैं हूँ आप सबके सामने। तो ये हमारा मेहंदी का है। और हमारे में क्या होता है कि जब तक शगुन उठ जाता है फिर शादी तक हम ऐसे ही रहते हैं बिना किसी मेकअप के। और यहाँ देखिए पापा भैया सब हैं यहाँ पे, मम्मी मिठाई खिला रही है सबको, और ये हमारे शादी के अबुआ हैं जो शादी लगाते हैं, अब ये भी इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो देखिए मम्मी पापा इनको भी मिठाई खिला रहे हैं, फिर मम्मी पापा को भी खिलाएंगी, भैया को भी खिलाएंगी, सबको खिलाएंगी एक एक करके। तो आप लोग ब्लॉग देखते रहिएगा, इन्जॉय करते रहिएगा, पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। और ये हमारे सामने के अंकल जी लोग हैं दोनों, पापा इन लोग साथ, और संगीत शुरू हो गया है। देखिए बीच वाली बहन मेरी डांस कर रही है। ये राधा तेरी नटखट नजरिया वाला गाना है, स्टूडेंट ऑफ द ईयर का उस टाइम ये रिलीज हुआ था शायद। अब आपको यहाँ पे जितने लोग देखेंगे सब मेरी मौसी हैं, और सब मम्मी से छोटी मौसी हैं लोग। गाना चला चिपकाले सोनिया फेवरेट से।
और ये पता नहीं कौन थी, ऐसे आई थी। मेरी बहन के फ्रेंड सबके साथ आई थी, फिर भी डांस वांस कर रही थी, पहले उसको डांस देखे पुराने डांस है, फिर यू कवार जैसे शेख का सीखा। देखिए ये भी मौसी है मेरी, तो मौसी भी डांस कर रही है। मतलब बहुत लोग थे डांस करने वाले, बहुत लोग आए भी थे शादी में। और मेरी रिश्तेदारी मतलब बड़ी है, बहुत लोग आते हैं, बहुत सारी मौसी हैं मेरी, मामा के घर से भी सब आते हैं, बड़ी मम्मी के घर की भी पूरी फैमिली। और देखिए मौसी, छोटी मौसी मेरी और भैया एक साथ में डांस कर रहे हैं, मौसी डांस कर रही है और ये लड़की बार बार सामने आ जा रही है, तभी मौसी उसको बताएंगे कि डांस वांस करेंगे वो लोग। और ये देखिए मेरी सबसे छोटी बहन, ये डांस करिए नचले नचले सॉन्ग पे, लेकिन मैंने इसको बहुत ज़्यादा नहीं डाला है क्योंकि मुझे पूरा ब्लॉग डालना था और बहुत लंबा हो जाता, तो आप लोग देखते नहीं ज़्यादा लंबा ब्लॉग, तो ब्लॉग को प्यार देते रहिए। और बीच बीच में पतिदेव की आवाज़ आ रही है, तो प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा आप लोग। अरे रामा भाभी है, मम्मी के सखी की बहू है, तेरा सराफा पे डांस कर रही हैं, देख रही आप लोग। और यहाँ देखिए मेरी फ्रेंड, मेरी बहनों की फ्रेंड और रिलेटिव सब लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, संगीत में डांस वगैरह देख रहे थे। तो और ये आंटी जी हैं, मैम सामने वाले आंटी जी, वो डांस कर रही हैं देखिए। और जितने लोग थे लगभग सभी लोगों ने डांस वगैरह किया है, आप देख सकते हैं। मैंने नहीं किया था, आजकल तो दुल्हनें डांस वगैरह भी कर रही हैं, पर मैंने नहीं किया था। और इसके बाद आपको हल्दी मटकोर इन सब की वीडियो देखने को मिलेगी, तो हल्दी में मैं वर पक्ष वधु पक्ष दोनों तरफ का डालूंगी वीडियो। और ये देखिए संगीत में हमारे तरफ ये ढोलक वगैरह भी आता है बजाने के लिए, औरतें यहाँ पे बजा के डांस कर रही हैं और यहाँ लड़कियाँ म्यूजिक सिस्टम के साथ डांस कर रही हैं। सब लड़कियाँ देखिए बहनों की फ्रेंड वगैरह हैं और मेरी भी फ्रेंड है साथ में, आगे आपको दिख रही होंगी ग्रीन कलर के सूट में, मेरी सखी है वो। तो ब्लॉग एंजॉय करते रहिए, आगे आपको और भी ब्लॉग देखने को मिलेगा। और ये मेरी बहन की फ्रेंड है दोनों। और ये देखिए परी है, ममताई की बेटी, कितनी छोटी है, अब तो बहुत बड़ी हो गई है। और ये जीजा जी हैं, ममताई के हस्बैंड, ये भी आ गए हैं, तो ये भी साथ में डांस कर रहे हैं, देखिए आपको। देखिए ममता दीदी और जीजा जी, ये लोग भी आ गए हैं, आप डांस करें। इन्हीं की बेटी है परी, जिसको मैं दिखाया था, और कल के ब्लॉग में आपने इनकी बेटी सुमन को देखा था, तो बहुत कितने छोटे हैं और अब तो बहुत बड़े हो गए हैं दोनों। तो ये जीजा जी हैं, बड़े पापा की बेटी और दामाद हैं दोनों लोग।
तो मेहंदी और संगीत का ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।